हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और ये देखो, कुछ ऐसा होता है आर्मी के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, और सिर्फ लड़कों का ही नहीं, लड़कियों का भी। हाँ, ये सुनने के बाद आई नो आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके होंगे, पर जो चीज आप इमेजिन नहीं कर सकते वो ये है कि हर साल 30% से लेकर 50% आर्मी कैंडिडेट्स का देश को सर्व करने का सपना ऐसे सिलेक्शन के चलते चूर चूर हो जाता है। लेकिन कैसे? वेल, उसके बारे में जानना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये जानना भी है कि आखिर क्या वजह है कि आर्मी कैंडिडेट्स को इस तरह की एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। आखिर प्राइवेट पार्ट्स का और मिलिट्री सिलेक्शन का कनेक्शन क्या है? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब हमारे आज के वीडियो में, टाइटल इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट प्राइवेट पार्ट्स की पूरी जानकारी। और सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि आखिर ये प्राइवेट पार्ट्स वाले एग्जामिनेशन का नाम क्या होता है। तो बच्चा लोग, इसका नाम है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। यस, और इंडियन आर्मी इस डिटेल शब्द को पूरे अनुसरण से मानती है, तभी तो ऐसी चीजें करने में उन्हें 1% तक की भी झिझक नहीं होती, और वो कैंडिडेट्स के सर से लेकर उसके पिछवाड़े तक सब कुछ पूरी तरह बड़े आराम से टेस्ट करते हैं, वो भी पूरे कपड़े उतरवाकर। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने लड़का है या लड़की, वो बस अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं। और अब इसमें डीएमई में उनके आंख, नाक, दांत, हाथ, पैर, छाती, फलाना ढिमकाना टेस्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसलिए चलिए डायरेक्ट जंप करते हैं हमारे मेन टॉपिक प्राइवेट पार्ट्स पर। तो लड़कों के 3 प्राइवेट पार्ट्स की एग्जामिनेशन होती है, टेस्टिकल्स एग्जामिनेशन, पीनस एग्जामिनेशन, एनस एग्जामिनेशन। नंबर 1, टेस्टिकल एग्जामिनेशन। अब अगर हम सबसे पहले टेस्टिकल्स एग्जामिनेशन की बात करें, तो इस एग्जामिनेशन में कैंडिडेट को नेकेड करके उसके टेस्टिकल्स की गिनती मारी जाती है, और अगर गलती से कैंडिडेट्स के टेस्टिकल काउंट में 2 टेस्टिकल्स की जगह 1 या 3 नंबर आएगा तो कैंडिडेट तो गया। ऑफिसर्स कैंडिडेट्स को सीधे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। आफ्टर दिस कम्स टेस्टिकल साइज चेकिंग, बिकॉज इन सम केसेस साइज डज मैटर। इसीलिए ऑफिसर्स कैंडिडेट्स के टेस्टिकल्स को टच करते हैं, और सिर्फ 19-20 का फर्क हो तो कैंडिडेट इन, बट अगर दोनों ही टेस्टिकल्स में उससे ज्यादा फर्क है तो कैंडिडेट अनफिट हो जाता है और उसको निकाला जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफिसर्स कैंडिडेट्स के टेस्टिकल्स पर किसी सर्जरी के व्हाइट पैचेस भी चेक करते हैं, तो अगर किसी कैंडिडेट्स के टेस्टिकल्स पर निशान मिल जाए, यस यू आर राइट, कैंडिडेट तो गियो। नंबर 2, पेनिस एग्जामिनेशन। टेस्टिकल्स टेस्टिंग के साथ ही पेनिस एग्जामिनेशन दूसरा बेहद जरूरी टेस्ट होता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि कैंडिडेट का फोर स्किन यानी उसके प्राइवेट पार्ट की चमड़ी कहीं स्टक तो नहीं है। स्किन स्टक है तो कैंडिडेट अनफिट है, एंड अनफिट कैंडिडेट्स की आर्मी में जगह कहाँ है, है ना? वेल, इसके अलावा वहाँ मौजूद एग्जामिनर्स ये भी चेक करवा लेते हैं कि कैंडिडेट्स की फोर स्किन को नीचे खींचने पर वो नीचे जा रही है या नहीं, कैंडिडेट्स के पेनिस की नसें बाहर तो नहीं निकली हुई हैं, और फोर स्किन के अंदर कचरा तो नहीं है, जिससे कैंडिडेट्स के हाइजीन का भी पता चलता है। और हाँ, उनके पेनिस में बस 1 होल है या 2, उसका भी इससे खुलासा होता है। अगर इन सब में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। नंबर 3, एनस। पाइल्स की बीमारी के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसको हो जाती है उसका उठना बैठना तो छोड़ो, जीना दुश्वार हो जाता है। और शायद यही देखकर डीएमई में पाइल्स जैसी बीमारी की चेकिंग होती है, और ये चेक करने का ऑफिसर्स और एग्जामिनर्स का अपना अलग तरीका है। ऑफिसर्स वस्त्रहीन कैंडिडेट्स को सबसे पहले झुकने के लिए बोलते हैं, कुछ इस तरह, और फिर कैंडिडेट को खांसने के लिए बोला जाता है, और जब कैंडिडेट घुटनों पर हाथ रख कर खांसता है तब उसके एनस होल ए होल ओपन होने से अंदर बवासीर की बीमारी की निशानी के साथ ही ये भी दिख जाता है कि कहीं कैंडिडेट्स के पास 1 की जगह 2 होल्स तो नहीं है। अगर नहीं तो कैंडिडेट्स को आर्मी ट्रेनिंग के लिए भर्ती कर लिया जाता है, और इफ हो तो बेचारे कैंडिडेट का सपना वहीं बिखर जाता है। यही नहीं, इन सारी टेस्टिंग के वक्त कोई कैंडिडेट अगर बार बार अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है या उसका प्राइवेट पार्ट बिना बोले ऐसी हरकत करता है, तो अभी कैंडिडेट को गलत पॉइंट दिए जाते हैं और शायद उसे निकाला भी जा सकता है। लेकिन ये तो थी हमारे देश के वीर जवानों की बातें। अब बात करते हैं 1672 की, 1672 की यानी 2021 में इंडियन आर्मी में मौजूद विमेन ऑफिसर्स की, जिनका ऑफिसर बनने तक का सफर आसान नहीं था, क्योंकि इन्हें भी मेल कैंडिडेट्स के हर टेस्ट की तरह ही कुछ एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन में खुद को साबित करना पड़ा था। और इन मुश्किल प्राइवेट पार्ट एग्जामिनेशन में 3 चीजें थी, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, एनएस एग्जामिनेशन। नंबर 1, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। ये टेस्ट मैरिड और अनमैरिड दोनों ही फीमेल्स को करवाना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस टेस्ट के साथ वीमेन की यूरिन टेस्टिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल टेस्टिंग और प्रेगनेंसी टेस्टिंग भी की जाती है, जैसे उनका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। और इन सारे टेस्टिंग की वजह यही होती है कि अगर कैंडिडेट प्रेग्नेंट है या उसके बॉडी में कोई और परेशानी है तो उसे पहले ही ट्रेनिंग में शामिल ना किया जाए। नंबर 2, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन।
ब्रेस्ट टेस्टिंग में कुछ इस तरह है, ब्रेस्ट के ऊपर से लेकर नीचे तक टेस्टिंग की जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कैंडिडेट को ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट में गांठ की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगर कुछ नहीं है तो वेल एंड गुड, बट अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया जाता है। पर ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, बिग ब्रेस्ट भी कैंडिडेट को सिलेक्ट होने से रोक सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बिग ब्रेस्टेड कैंडिडेट्स भागने दौड़ने से लेकर फिजिकल एक्सरसाइज करने में पीछे रह जाती हैं। इसलिए अगर किसी कैंडिडेट को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो पहले उन्हें अपने डाइट और एक्सरसाइज से खुद के ब्रेस्ट का साइज कम करना पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि ये कैसी कंडीशन है कि सिर्फ आपके ब्रेस्ट के बड़े होने से आप अपने कंट्री को सर्व नहीं कर सकते, तो कंट्रोल यूएस में तो बिग बर्ड्स वाले लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मतलब वहाँ स्पाइनल डिसऑर्डर और कंडीशन को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि मिलिट्री में बहुत से फिजिकल डिमांड्स होते हैं और अगर आपकी बैक में कोई प्रॉब्लम हो तो उसका असर सिर्फ आप पर ही नहीं आपकी पूरी टीम पर होगा। इसलिए अगर आपका बट बड़ा है तो आप अपने देश की सेवा नहीं कर सकते। नंबर 3, एनएस एग्जामिनेशन। लड़कों की तरह ही फीमेल कैंडिडेट्स का एनएस चेक किया जाता है, वो भी सेम प्रोसीजर से, झोंको और खांसो। और अगर कैंडिडेट्स को पाइल्स है तो वो ट्रेनिंग स्टेज में पहुंचने से पहले ही आउट, और अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेज के लिए इन। अब इसके अलावा भी कई सारी ऐसी टेस्टिंग होती है जिसके बेसिस पर कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जैसे गर्ल्स को PCOD और PCOS जैसी प्रॉब्लम्स होने की वजह से भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है, क्योंकि ऐसे में वीमेन हाई लेवल ऑफ हार्मोनल चेंजेस से डील करती हैं। और ये इमेजिन करना मुश्किल नहीं है कि ट्रेनिंग में जब इन्हें मेंटली और फिजिकली चैलेंज किया जाएगा तो इनकी बॉडी शायद ही उस प्रेशर को झेल पाएगी, है ना। तो इसी सिचुएशन को रोकने के लिए वीमेन्स को मेडिकल राउंड में ही बाहर कर दिया जाता है, ताकि ना तो वीमेन की मेहनत और हिम्मत टूटे और ना ही आर्मी का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो। लेकिन जहाँ एक वैलिड रीजन से आर्मी में ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, वहीं कुछ डिसीजन शायद आज भी उस रूढ़िवादी सोच का शिकार हैं, जिसके धब्बे इंडिया आज भी अपने दामन से मिटाने की कोशिश में आज भी लगा हुआ है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ आर्मी में गे सोल्जर्स को एक्सेप्ट ना करने की। 2019 में आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने ये बयान दिया था कि इंडियन आर्मी वेस्टर्नाइज नहीं है, कंजर्वेटिव है, इसीलिए वो गे सोल्जर्स को भर्ती की मनाही देते हैं। पर कब तक इंडिया ये सोच लेकर चलेगा? कब तक होमोसेक्सुअलिटी को लोग आर्मी फोर्सेज में एक फेंस की तरह देखते रहेंगे? जबकि सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि होमोसेक्सुअलिटी अब इंडिया में क्राइम नहीं मानी जाएगी, पर ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, क्योंकि इंडिया के आर्मी एक्ट 1950 का सेक्शन 46A तो यही कहता है कि किसी भी तरह का क्रूअल, इंडिसेंट और या अननेचुरल कंडक्ट करने पर ना सिर्फ आर्मी सोल्जर्स को कोर्ट मार्शल पर उसके साथ ही 7 साल की जेल की कैद भी मिलेगी। जबकि अगर हम यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी वगैरह जैसे डेवलप्ड देशों को देखें तो वहां गे सोल्जर्स एक्सेप्टेड हैं। और हालांकि यूएस को भी अपने देश में गे सोल्जर्स को अलाउड करने के लिए डिकेड्स लगे थे, पर उसने ये कर दिखाया और अब शायद हमारी बारी है कि हम गे सिटीजंस को अपनी कंट्री के लिए सर्व करने का इक्वल मौका दें, जैसे बाकी सिटीजंस के पास है। पर सिटीजंस के पास मौजूद इन मौकों को कभी कभी कुछ अजीबोगरीब कंडीशंस की वजह से भी छीन लिया जाता है, और यूएस शायद इस कदम में सबसे माहिर है। तभी तो वहाँ सेल्फ हार्म करने वाले लोगों को, पहले साइकोलॉजिकल इश्यू से डील कर चुके लोगों को मिलिट्री में भर्ती नहीं किया जाता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, आपने आर्मी में भर्ती होने के लिए मिनिमम हाइट की कैटेगरी तो सुनी होगी। यस, 157.5 सेंटीमीटर। वेल, यूएस वालों को मैक्सिमम हाइट का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई कैंडिडेट वहाँ 203.3 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ तो वो सिलेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा करने के पीछे यूएस के पास वैलिड रीजन तो है। एक ये कि वहाँ हर सोल्जर के लिए कस्टम मेड इक्विपमेंट एंड यूनिफॉर्म्स बनाने होते हैं, और दूसरा ये कि ज्यादा हाइट होने की वजह से कई बार खुद कैंडिडेट्स को कुछ ट्रेनिंग और जॉब्स करने में स्ट्रगल करना पड़ता है। अब वैसे देखा जाए तो इंडिया में भी इस तरह की मैक्सिमम हाइट डिसाइड की हुई है, जहां मेल फीमेल कैंडिडेट्स मैक्सिमम 195 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। अब आपको ये सारी जानकारी देते देते मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया कि इंडिया में होने वाले DME में मेल कैंडिडेट्स के सारे एग्जामिनेशन मेल ऑफिसर्स या डॉक्टर्स ही करते हैं, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स का पूरा एग्जामिनेशन फीमेल ऑफिसर्स और एग्जामिनर्स का काम होता है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये टेस्ट किए ही क्यों जाते हैं, तो इसका जवाब और इन टेस्ट का मोटिव यही है कि सोल्जर्स पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो, कैंडिडेट्स ना सिर्फ अपनी ट्रेनिंग में बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़े, बट इन फ्यूचर जब उन्हें देश की रक्षा की जिम्मेदारी मिले तो भी वो किसी भी बीमारी या प्रॉब्लम के चलते अपनी और अपनी टीम की जान को गंवाना बैठे। अपने देश की सेवा करने के लिए ना सिर्फ उनके पास बेस्ट ट्रेनिंग हो पर एक फौलाद जैसी बॉडी भी हो। पर ये तो इंडियन आर्मी और मेरी राय थी। आपको क्या लगता है इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होने के लिए किए जा रहे ये सारे प्राइवेट पार्ट्स के एग्जामिनेशन कितने हद तक सही या गलत हैं? आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।